इस वीडियो में हम फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट देखेंगे जो दो टाइप्स के होते हैं। द फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट में भी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, फर्स्ट मैनेजरियल फंक्शन एंड सेकंड ऑपरेटिव फंक्शंस। तो फर्स्ट देखते हैं सबसे पहले मैनेजरियल फंक्शन। तो फर्स्ट इसके प्लानिंग योजना, इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग इन एडवांस दैट इज टू बी डन, वेयर हाउ एंड बाय हुम इट इज टू बी डन, दैट इज प्लानिंग जॉब रिक्वायरमेंट, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट। इसमें पहले से निर्णय लेना शामिल है जो किया जाना है, मतलब कि प्लानिंग कर लिया जाता है कि हमें क्या करना है, यहाँ कहाँ कैसे और किसके द्वारा किया जाना है, अर्थात नियोजन कार्य, भर्ती कार्य विवरण और भर्ती के स्रोतों का निर्धारण। ऑर्गेनाइजिंग सेकेंड है, जिसका मतलब होता है आयोजन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अलोकेटिंग द टास्क अमंग इट्स मेंबर फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, दिस इज डन बाय डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप अमंग जॉब्स पर्सनल एंड फिजिकल फैक्टर। यह संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने सदस्यों के बीच कार्य आवंटित करने की एक प्रक्रिया है, कार्य बांटने की एक प्रक्रिया है। यह नौकरियों, व्यक्तिगत और भौतिक कारकों के बीच संरचना या संबंध को डिजाइन करके किया जाता है। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग, संचालन करने वाला। इट इज द मैनेजेरियल फंक्शन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न डायरेक्टली विथ गाइडिंग influencing and supervising the subordinates in their jobs। यह प्रबंधकीय कार्य है जिसमें वे सभी गतिविधियां शामिल है जो सीधे तौर पर अधीनस्थों को उनकी नौकरियों में मार्गदर्शन, प्रवाहित और पर्यवेक्षण से संबंधित है। और नेक्स्ट है कंट्रोलिंग, जो नियंत्रण करता है, नियंत्रण करने वाला। इट इज द एक्ट ऑफ चेकिंग, रेगुलेटिंग एंड वेरीफाइंग whether everything occurs as per the plans adopted। यह जांचने, विनियमित करने और सत्यापित करने का कार्य है कि क्या सब कुछ अपनाई गई योजनाओं के अनुसार होता है अथवा नहीं। द परफॉर्मेंस ऑफ पर्सन इज रेगुलरली रिव्यूड टू फाइंड आउट whether इट इज गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान और नॉट। व्यक्ति के प्रदर्शन की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह योजना के अनुसार चल रहा है या नहीं। और नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है ऑपरेटिव फंक्शन, जिसका पहला पॉइंट है प्रोक्यूरमेंट ऑफ पर्सनल, प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर। इट कंसर्न विद द रिक्रूटमेंट ऑफ द प्रॉपर टाइप एंड नंबर ऑफ पर्सनल नेसेसरी टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मतलब कि यह संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कर्मियों की उचित प्रकार और संख्या की भर्ती से संबंधित है, कर्मियों की खरीद। नेक्स्ट है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, कर्मियों का प्रशिक्षण या विकास। इट इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग ऑफ एम्प्लॉयज स्किल थ्रू ट्रेनिंग दैट इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर जॉब परफॉर्मेंस। इसमें प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारियों के कौशल में वृद्धि शामिल है जो उचित कार्य प्रदर्शन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है कंपेंसेशन ऑफ पर्सनल, द एम्प्लॉय शुड गेट सफिशियंट रिम्यूनरेशन और सैलरी फॉर द वर्क बीइंग डन बाय देम। कर्मियों का मुआवजा जो होता है, कर्मचारी को उनके द्वारा किए जा रहे कार्य के लिए पर्याप्त पारिश्रमिक या वेतन मिलना चाहिए, जो मुआवजा होता है, जो काम किया है उसका उतना रुपया मिलना चाहिए। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन, एकीकरण। अमंग एम्प्लॉय अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएट, कर्मचारियों के बीच संगठन से संबंधित होने की भावना पैदा होती है। और लास्ट पॉइंट है मेंटेनिंग, इट इंक्लूड्स मेंटेनिंग गुड वर्किंग कनेक्शन फॉर द एम्प्लॉयज, इट इंक्लूड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ स्कीम सेफ्टी सिस्टम ETC एट वर्किंग प्लेस।
बनाए रखना मेंटेनिंग जो होता है, इसमें कर्मचारियों के लिए काम करने की अच्छी स्थिति बनाए रखना शामिल है। इसमें कार्यस्थल पर स्वास्थ्य योजना, सुरक्षा प्रणाली आदि का कार्यान्वयन शामिल है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि कोई क्वेश्चन है इससे तो पूछ सकते हो, या कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हो। मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।